सो गाइस अभी अजान हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारी इफ्तारी यहाँ हो रही है और इंशाल्लाह इन हाफ एन आवर हम लोग फ़्लाइट भी बोर्ड करेंगे। तो फिर अब आगे का आपको हमारी डेस्टिनेशन में पहुँच के हम क्लिप शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं। वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको पब्लिक देख के तो आइडिया आ ही गया होगा कि हम लोग कहाँ आए हैं। तो यस, हम लोग आए हैं सऊदी जिद्दा, और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम लोग उमरा पे जाने वाले हैं। तो दुआओं में याद रखिए कि हमारा उमरा अच्छे से हो जाए, अल्लाह कबूल करे। हम इंशाल्लाह सबको दुआओं में जितनी कोशिश रहेगी याद रखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम लोग बैगेज क्लेम कर लेते हैं और फिर आगे की जर्नी पे आपको साथ में लेके चलेंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लैंड हो गए थे, और फिर भाईजान भाभी और दोनों बच्चे हमें लेने आए थे। मतलब असद के बड़े भाई यहाँ रहते हैं जिद्दा में, तो हम उनके घर आए हुए थे बिकॉज़ ईद की छुट्टी थी यूएई में। तो फिर हम लोगों ने सोचे कि फैमिली से मिलना भी हो जाएगा और इंशाल्लाह हमारा उमरा भी हो जाएगा। तो हम लोग संडे को लैंड किए थे और इंशाल्लाह मंडे को हम लोग उमरा पर जाने वाले। और अब मैं ये वॉइस रिकॉर्डिंग वॉइस ओवर करी जब तक हमारा उमरा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वॉइस ओवर करने टाइम ही नहीं मिला था, इसलिए मैं कर ही नहीं पाई थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज ट्यूसडे है और अल्हम्दुलिल्लाह मंडे को हमारा हो चुका है उमरा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में, नेक्स्ट व्लॉग में वो भी आपसे शेयर करूँगी। आवाज़ आपको मेरी थोड़ी बैठी बैठी से आ रही होगी बिकॉज़ हम लोग बहुत थक गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारा उमरा कबूल करे, सब कुछ हमारा बहुत अच्छे से खैराफियत से हो जाए। बहुत हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत रश थी, बहुत पब्लिक थी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग से आप शेयर करूँगी, तब तक आप ये वाला व्लॉग इन्जॉय कीजिए। तो यहाँ ये भाभी के घर के पास ही एक रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे ये मज़े से कुछ भेजा मसाला बना रहा था। तो असद और भाई जान लाने गए हुए थे, तो फिर इन्होंने उसकी वीडियो भी बनाए, और वो भी मज़े से वीडियो में पार्टिसिपेट कर रहा था जो कुक कर रहा था। तो फिर मैं सोची आपसे सब शेयर करती हूँ। ये हमारे इधर भी देखने मिलता है, बट हम लोग को रेयरली जाने मिलता है कहीं, और ये तो यहाँ पे एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो फिर असद ने मेरे लिए ये रिकॉर्ड करके लाए कि ये व्लॉग में ऐड करो तुम्हारे। तो फिर आप लोग भी देखिए कैसे मज़े से बना रहा है, और बहुत डिलीशियस भी था खाना। पूरा चेंज हो गया कलर, है सूख गया देख। ये प्री पका हुआ है ना पहले? हाँ ये प्री पका हुआ है, उसको बाद में और देख रहा तो मस्त है। और यहाँ हो गया था नेक्स्ट डे संडे। हम लोग सैटरडे को आए थे, लैंड किए थे रात में, और फिर जो पिछले वीडियो देखे आपने वो सभी सहरी के लिए लिए थे भीजा मसाला वगैरह। और नेक्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन हम लोग ने बहुत अच्छे से फैमिली के साथ स्पेंड किए, बच्चों के साथ मस्ती किए दोनों के साथ। और फिर हम लोग इफ्तारी के लिए बाहर चले गए थे, हम लोग ताज़स चिकन यहाँ पर जो बहुत फेमस है वो खाने जा रहे थे इफ्तारी के लिए। यूएई में भी ताज़ा चिकन करके है, बट है वो पता नहीं सेम या डिफरेंट, आई डोंट नो, बिकॉज लोगो वगैरह सेम है, बट जो टेस्ट में फ़र्क है यहाँ के ये ताज़ा चिकन में और जो हम लोग ने यूएई में ताज़ा चिकन खाए थे वो मैच ही नहीं हो सकता है। यहाँ की ताज़ा चिकन इतनी यम्मी थी, इतनी यम्मी थी कि मतलब इट वॉज हैंड्स डाउन द बेस्ट। तो हम लोग इफ्तारी के लिए वहाँ गए थे और बहुत ही मज़े से हमने इफ्तारी किए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत यम्मी था। और यहाँ पे यूएई का ही हमारा पहला मील था, बिकॉज भेजा वगैरह मैं नहीं खाती, और सहरी में तो मैं कुछ भी नहीं खाती, सिर्फ जूस और पानी पे ही रहती हूँ। तो यहाँ ये इफ्तारी का मेरी सबसे पहला मील था, यूएई बार बार आ रहा है मुँह में, जिद्दा का, एंड इट वाज द बेस्ट। ताज़ा चिकन वाज द बेस्ट, फेवरेट हो गई है मेरी तो,
बहुत मज़े आए माशाल्लाह, बहुत अच्छे से हम लोग ने खाना खाए, इफ्तारी किए, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना इज़ रियली अ डिफरेंट थिंग। यूएई में मैं और असद अकेले ही रहते तो भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इंजॉय करते एक दूसरे के साथ, बट जो फैमिली से मिलके थोड़ा चेंज लगता है और थोड़ा अपनापन आता है, थोड़ा सब लोग से मिलते हैं। यहाँ भाभी के दोनों छोटे छोटे बच्चे भी है, जैन और इब्राहिम, बच्चों के साथ भी बहुत मज़ा आता है। और माशाल्लाह इट वाज सो गुड, और हम लोग का डिसीजन बहुत अच्छा था कि हम लोग ने ईद की छुट्टी या यहाँ। आप वीडियो में कुछ बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो। हेलो एवरीवन, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फिर हम लोग चले गए थे बवादी मार्केट, यहाँ का फेमस मार्केट है बायर्स के लिए। मैं आने मतलब दुबई से यहाँ आने के टाइम पे मुझे मिले नहीं थे खास, तो मैंने ली नहीं थी, तो मैंने पहले ही डिसाइड की थी कि वहाँ जाके सबसे पहले हम बुरखे ही लेंगे, मुझे अबायस लेंगे। तो यहाँ पे भाभी हमें लेके आए थे, वो यहाँ से अक्सर लेते हैं तो यहाँ के बहुत अच्छे रहते, तो हम लोग वहाँ चले गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह तीन अबायस फिर मैंने ली, और माशाल्लाह से भाभी ने मुझे गिफ्ट किए वो तीनों अबायस। माशाल्लाह तीनों अबायस बहुत अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं शारजाह रिटर्न हो जाऊँगी तब मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने जिद्दा से क्या क्या शॉपिंग की थी, तो मैं एक साथ उसका अलग से इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊँगी जब मैं रिटर्न घर पे चली जाऊँगी। तो यहाँ पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किए, सारी चीज़ें एक्सप्लोर किए, सारी चीज़ें देखे, और बच्चों के साथ भी फुल टाइम पास हो रहा था हम लोग का। तो वहाँ से हम लोग निकल गए थे, फिर थोड़ा आसपास में भी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे, जगह दिखा रहे थे हमें भाभी और भाईजान, यहाँ पे ऐसा है वैसा है, तो वो सब हम लोग नाइट लाइफ देख रहे थे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत मज़ा आई माशाल्लाह, एक चेंज हो गया हमें भी वहाँ पे, बस मैं और असद हम दोनों ही वहाँ ही घूमते थे, यहाँ पे थोड़ा फैमिली के साथ हमें बहुत बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, तो थोड़ा चेंज भी हो गया। और मेन नियत तो हम लोग की उम्रा की थी कि हमें उम्रा पे आना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गया। ये हमारे भाईजान है, ये हमारी भाभी है, ये इनके दो चटर पटर है, और आज हमको यहाँ की थोड़ी सी नाइट लाइफ दिखा। ले लिया फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे और हम लोग जा रहे थे कॉर्निश की साइड पे थोड़ा देखने, तो रास्ते में ही जाते वक्त ये कुछ इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो ये जो हमारा कंपास नहीं होता जो हम ज्योमेट्री और एल्जेब्रा वगैरह में यूज़ करते हैं, नॉट इन एल्जेब्रा आई थिंक इन ओनली ज्योमेट्री, तो फिर ये उसके सभी ना इंस्ट्रूमेंट्स थे, लाइक डिवाइडर था, प्रोटेक्टर, रूलर वगैरह, तो इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के, तो मैं चलो इसकी भी क्लिप बना लेते, आप लोग को भी दिखाते, हम लोग घूम रहे तो साथ ही साथ आपको भी घुमाते व्लॉग्स के ज़रिए, तो ज़रूर व्लॉग्स को देखना, एंड तक देखना, लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको व्लॉग्स और वीडियोस वगैरह कैसे लग रहे, और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, या फिर आप और क्या न्यू देखना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताना। और ये रोड पूरा कॉर्निश वाला ही रोड था, तो ये सारी क्लिप्स भी मैंने आपके लिए रिकॉर्ड की हूँ देखने के लिए, सारे कितने सारे शॉप्स है, कितने ब्रांड्स है यहाँ पे भी माशाल्लाह। और फिर यहाँ जो रोड जा रहा है सीधा सीधा मैं आपको बताऊँगी आगे क्लिप में, तो वहाँ पे एक बहुत ही टॉल फाउंटेन है, आई थिंक ये वाले फाउंटेन का रिकॉर्ड कोई फाउंटेन ने नहीं ब्रेक की, यहाँ आपको जूम करके थोड़ा सा दिखेगा पूरा फाउंटेन ऊपर का,
तो बहुत ही ऊंचा जाता है ये, और इसका रिकॉर्ड अब तक किसी ने नहीं तोड़ा है। तो यहाँ का ये एक अट्रैक्शन है देखने के लिए, तो ये कॉर्निश पे, तो हम सब वहाँ जा रहे थे देखने के लिए और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए कॉर्निश पे, सुकून से बैठने के लिए। और क्लाइमेट भी अच्छा था, गर्मी थी पर उतनी फील नहीं हो रही थी बिकॉज हवाएं अच्छी चल रही थी, तो हम लोग को इतना गर्मी टाइप फील नहीं हुआ, तो अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। बहुत ही कामिंग और एकदम नो स्वीट इन्वायरमेंट था। और ये कॉर्निश डे के तो हम लोग को हमारी शारजा वाली मजाज कॉर्नर याद आ गई, कॉर्निश वहाँ की। तो फिर थोड़ा हम लोग यहाँ बैठे, आराम से टाइम स्पेंड किए और बातें वगैरह की, उसके बाद हम लोग आगे निकल गए थे। सो ये है वो टॉलेस्ट फाउंटेन और इसका रिकॉर्ड अब तक किसी ने ब्रेक नहीं किया, ये बहुत ऊँची तक जाती है। इट वॉज सो गुड टू सी दैट। ये है रिट्ज़ कार्ल्टन, यहाँ पे शाहरुख खान की डंकी मूवी की शूट हुई थी सऊदी में, फर्स्ट टाइम यहाँ पे शूटिंग हुई थी। तो हम यहाँ पे एक कॉर्निश पे आए हुए, तो हम लोग ऐसे ही ज़रा बैठे हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं फैमिली के साथ, और यहाँ बच्चे खेल भी रहे जो पीछे है कैमरे के। आए हैं बास्किन रॉबिन्स में आइसक्रीम खाने के लिए, इससे पहले हम लोग कॉर्निश गए थे जैसे वीडियो में आपने देखे। So now we are here to buy some ice cream for ourselves and then we will head home inshallah. फिर आइसक्रीम लेने के बाद हम लोग डोनट्स लेने आ गए थे बच्चों को डंकिन डोनट्स के लिए, तो इन लोग के लिए वो ले लिए थे। और आज का व्लॉग मैं इसी नोट पे एंड करूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग उमरा का रहेगा, ज़्यादा क्लिप्स नहीं रिकॉर्ड की बिकॉज मुझे ज़्यादा ज़्यादा टाइम इबादत में और सारे अरकान पूरे करने में देना था, बट मैंने थोड़ा बहुत आपके लिए रिकॉर्ड की सो दैट आप लोग भी देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।